हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, शानदार है, फाड़ू एक नंबर, मजा आ गया एकदम, फुल हट गया एकदम। बहुत पहले से मन था इसको देखने का, अब हमें भी मौका मिला, मूवी भी बड़ा बढ़िया, मूवी बहुत बढ़िया थी। सनी देओल ने पाकिस्तान की एस्टेस कर रखी थी। अच्छा। हैंडपंप वाला सीन अल्टीमेट था, हमारे साथ गलत हुआ है। राजस्थान वाला रामरस के वीडियो में आपका तहदिल से स्वागत है। आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए गदर मूवी का रिव्यू लेकर, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। इससे बढ़िया मूवी ना तो कभी बन सकती है ना कभी बनेगी। आज इतने लंबे टाइम बाद भी, जब मैं छोटा बच्चा था जब ये मैंने मूवी देखी थी, आज मैं 34 का हूँ, उसके बाद मैंने मूवी देखी है। वो ही ग्लैमर है, वो ही शानदार शॉट है और वो ही शानदार गाने हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू भैया, जबरदस्त। और कुछ, कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 10 में से 9। ये तो एक कम देती, 10 में से 10 पूरी, एक टावर है 11। क्या पिक्चर है यार, बढ़िया पिक्चर है, सुपर हिट पिक्चर है। दूसरा भाग भी बढ़िया लगेगा। अच्छा, इंतजार है दूसरे का? हाँ, दूसरे का इंतजार 11 अगस्त को लगेगा। अच्छा, देखने आएंगे पहले तो। अच्छी लगी मूवी के बारे में कुछ? मूवी बहुत बढ़िया है। पहले तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, और ऐसी मूवी दोबारा नहीं बना सकते कोई। गदर सुपर डुपर हिट पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। दूसरा पार्ट इससे भी बेहतर आएगा, सब मिलके देखो भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हिंदुस्तान, पूरे 10 में से 10 है। बस बढ़िया लगी, मूवी अच्छी थी। जैसा पहले, आज से 22 साल पहले जैसा लगा था, वैसे ही आज बिल्कुल देख के इसको गूज बम्प्स जो होते हैं वैसा कुछ लगा सर। अच्छा, कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 5 में से 4.5। अच्छा, और कुछ बदलाव हुए हैं साउंड क्वालिटी वीडियो? साउंड क्वालिटी पहले शायद मुझे बेटर लगा जब बचपन में था, मैंने देखा था जब शायद मैं रहा हूँ 6-7 साल का, तब मेरे को देखा, तब मैंने देखा था, मुझे याद है तब का साउंड क्वालिटी। लेकिन सिनेमा के हिसाब से, गोलचा के हिसाब से तो नहीं था। मैंने ये मूवी राजमंदिर में देखी थी, इसको राजमंदिर में लगना चाहिए था। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन हॉल गलत था। हमारे साथ गलत हुआ है, हमें जो चीज दी गई थी, जो टिकट में आई थी ना, वो हमें नहीं मिला यहाँ पे। मतलब जो हॉल बताया गया था ना, हमें वो हॉल नहीं मिला, हमें दूसरे हॉल में ट्रांसफर कर दिया। वहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, उसमें साउंड आ रहा है ना कुछ हो रहा है। बाकी मूवी के लिए तो पहले भी ठीक थी और आज भी ठीक, दूसरी मूवी का वेट कर रहे हैं। वो वाली पहले भी बहुत औसम थी, अभी भी औसम है, उसमें दूसरी मूवी का वेट कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो जैसे यहाँ पे टिकट करवाया था ना, वो चंद्र महल का टिकट करवाया था, अंदर कोई हॉल है लेकिन दूसरे हॉल में बिठा दिया, बोला उसका लाइसेंस नहीं आया अभी, तो शाम को 3 बजे लगेगी, तो फिर उसके अंदर दिया क्यों है? सही बात है, तो फिर यार ये तो गलत बात है ना, या तो पैसा वापस रिटर्न करो, और रिटर्न करने के बाद वहाँ पे जाते तो क्या मतलब है फिर? मतलब क्या, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, और उसके बाद घर से यहाँ पे आए उसका पैसा भी वेस्ट, तीनों चीजों वेस्ट। सीकर से आए यहाँ पे मूवी देखने के लिए, सीकर से आए, अब आप समझ सकते हो। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हम चाहते हैं कि सनी देओल इसी तरीके से और भी आगे मूवी अच्छी लाए, जिसकी मूवी पार्ट आई, सेकंड मूवी का बहुत ज्यादा। बिल्कुल, साउंड तो हॉल में ही नहीं है, पहली बार हॉल में ही नहीं था, कुछ फैसिलिटी नहीं है, और इनका जो बिहेवियर है ना वो एक मतलब अगर इनको रेटिंग देंगे ना बिहेवियर में, तो 10 में से आई थिंक मैं 3 भी नहीं दे सकता, क्योंकि सब बात करने की लैंग्वेज उनकी सही नहीं। So, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।